इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। देखिए, जो हमें अर्थ पे कितनी तरह के लैंड फॉर्म्स नज़र आते हैं, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, ज़रा सोचिए। माउंटेंस हमें नज़र आते हैं, प्लेटोज नज़र आते हैं और प्लेन्स नज़र आते हैं। उसके अलावा कोई और फीचर नज़र आता तो मुझे बता दीजिएगा। इतने ही फीचर हैं मेन जो बनते हैं, फॉल्ट फोल्ट वो तो अलग चीज़ें हैं। ये फीचर्स कैसे बनते हैं वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अब इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। प्लेन कैसे बनते हैं, प्लेटोज क्या होते हैं, प्लेटो कैसे बनते हैं, प्लेन क्या होते हैं और कितनी तरीके के होते हैं, माउंटेंस कितनी तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो आइए उन लैंड फॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ये तीन तरह के मैंने आपको बताया, माउंटेन्स हैं, प्लेटो हैं और प्लेन्स हैं, तीन तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेन क्या होता है, एक लिफ्टेड जो है, एलिवेटेड लैंड मास है अर्थ सरफेस का, जिसको हम माउंटेन या हिल कहते हैं। हिल और माउंटेन में डिफरेंस ये है, अगर उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है, यानी कि 900 मीटर या 1200 मीटर तक का जो है उसको हम हिल बोलते हैं। लिख दूँ यहाँ पे, इजी रहेगा आपके लिए कि जो हिल का क्राइटेरिया क्या है, उसकी हाइट इतनी रहती है मीटर्स में। इससे जो बड़े होंगे उनको माउंटेन्स का नाम देंगे, कि 1.5 किलोमीटर से ऊपर के जो सारे माउंटेन्स हैं, ऑन एन एवरेज कोई 5000 मीटर का है, कोई 4000 मीटर का है, 3000 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर, बहुत है यार, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होते, क्योंकि माउंट एवरेज सबसे ऊंचा कितना है, 9.5, मतलब 8847 8847 या 48 के करीब इतने मीटर है, 9 किलोमीटर के करीब आप रफली हम कह सकते हैं। अब इनके अगर क्लासिफिकेशन करें कि ओरिजिन के बेस बनते कैसे हैं, तो क्या कह सकते हैं, वो होते हैं जो स्ट्रक्चर होती है या टेक्टोनिक, जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स में दिया, फोल्ड माउंटेन जिनको कह रहे हैं। दूसरे, वो जो माउंटेन थे वो घिस गए, डाइसेक्ट कट फट गए, इरोजन हो गया, क्लाइमेट उनको तोड़ फोड़ दिया, डाइसेक्टेड या रेजिडुअल। तीसरे, जो वोल्केनोज का लावा निकला और डिपोजिशन हुआ, यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक से जो बने हैं, तो उनको वोल्केनिक कहेंगे। तो मेन तीन तरह के, जैसे स्ट्रक्चरल जो हम फोल्ड भी कह रहे थे, तो इसमें हम जैसे कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बताया, एल्प्स एंडीज हिमालयाज, ब्लॉक माउंटेन, ये भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वो फोल्डिंग से बने थे, ये अपलिफ्टिंग से बनते हैं। तो जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है हमारा फ्रांस में, ये वो चीज़ें, और उसके अलावा विंध्यास है, सतपुड़ास हैं, ये उसके एग्जांपल्स हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स जो आपको नाम है, एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल से बनते हैं, कि वोल्केनिक मटेरियल लावा जो है वो जमा होता रहता है, उससे बनते हैं ये। उसके अलावा डिपेंड करते हैं कि जो लावा है उसमें कंपोजिशन कैसी है, सिलिका की थिक है कि डाइल्यूट, अगर थिक होगा तो भी सिंडर कौन बनेगा ना, अगर डाइल्यूट है तो फैल जाएगा, शीट बन जाएगी। और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई थी माउंट, उसमें मोनालोवा फुजी है, तो ये इसी के बने हुए हैं। रेजिडुअल डाइसेक्टेड नीलगिरी सबसे अच्छा उसका है वो, उसके अलावा अरावली वो डाइसेक्टेड हैं, जो कि अलग अलग तरह के, जैसे विंड्स हैं, वाटर वो इरोड कर देती हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं ये, जैसे नीलगिरी का गिरनार है, राजमहल हिल्स इंडिया में ये एग्जाम्पल है, ये इसलिए इसको याद रख लीजिएगा तीनों पॉइंट्स को, कि नीलगिरी किसकी एग्जाम्पल है, गिरनार गुजरात में है, राजमहल याद कीजिए कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल में। ये जो हिल्स हैं ये डाइसेक्टेड या रेजिडुअल माउंटेन की एग्जांपल हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। और अकेले नज़र आते हैं कि बेचारे यहाँ पे एक माउंटेन था एक बड़ा सा, और उसको इरोड कर दिया इन्होंने, या चेंज थी, और ये इरोड करके एक अलग बचा, तो बाद में एक इस तरह का यहाँ फीचर नज़र आएगा और ये अलग नज़र आएंगे, तो जो अलग रह गया ये क्या हमारा रेजिडुअल रह गया। कि जैसे हमारा नीलगिरी जो है वो ऐसी है कि इधर एक चेन आती है माउंटेन्स की और एक इधर से चेन आती है, और यहाँ पे वो एक माउंटेन है जो इससे और इससे कट गया, इरोजन हो चुका है। नीलगिरी इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एज द ईस्ट एज वेल एज द ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद प्लेटू, अब प्लेटू क्या था, ये भी एलिवेटेड पोर्शन है, बट कंडीशन क्या है इसमें, इसकी कंडीशन ये है कि एलिवेटेड है बट ऊपर से फ्लैट सरफेस होगा इसका, जो माउंटेन्स थे वो ऐसे थे पर ये यहाँ पे ऊपर टेबल लैंड होनी चाहिए, ये फ्लैट सरफेस होगा, ये इसकी खासियत है।
उसके बाद अगर हम ये देखें कि जैसे लाइमस्टोन का है, किस चीज़ का बना, सैंडस्टोन, इनकी लेयर्स होती हैं और उनकी लोकेशन अगर देखें तो उसके सब तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटर माउंटेन, नाम से देखें क्लियर हो जाएगा आपको, इंटर माउंटेन जो माउंटेन्स ने घेरा हो उनके बीच में हो, तो जहाँ यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ माउंटेन्स है, उधर माउंटेन्स है, इधर माउंटेन्स है और बीच में यहाँ पे एक प्लेटू है। कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे पूरा कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट ही एलिवेटेड, जैसे ब्राज़ील जो है ये पूरा कॉन्टिनेंट उठा हुआ है, कॉन्टिनेंट प्लेटू है। पाइडमोंट प्लेटू, जो एक तरफ माउंटेन हो और उसके पैरों में यहाँ प्लेटू हो, तो इसको कहते हैं पाइडमोंट प्लेटू। इंटर माउंटेन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा अच्छे से, उसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए बेटर रहेगा, जैसे तिब्बत का प्लेटू, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, एक तरफ इधर हिंदू कुश है, कुल्लून है, तीन शान है, और उधर बोलीविया प्लेटू है, मैक्सिको है, बोलीविया और इधर मैक्सिको, तो ये अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। उसके कॉन्टिनेंटल, जो लोलैंड था सी से राइज हो गया ऊपर, जैसे वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, उसके बाद शिलोंग का प्लेटू है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर किसको कहते हैं, जो झारखंड का एरिया है, बिहार झारखंड में जो प्लेटूज हैं, रांची का प्लेटू है, हजारीबाग का प्लेटू है, इनको कलेक्टिवली मिला के हम छोटा नागपुर का कहते हैं, छोटा है बड़ा है पर छोटा नागपुर है वो। पाइडमोंट प्लेटू की एक तरफ तो माउंटेन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, या तो प्लेन हो एरिया होगा या फिर ओशन हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे पाइडमोंट। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे मालवा है और अप्लाचियंस यूएसए में है, दोनों के नाम याद रख लीजिए अच्छा रहेगा आपके लिए, मालवा और अप्लाचियंस। अप्लाचियंस कहाँ पे आपको नजर आएंगे ढूंढने जाइए तो, जो हमारा अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका, उसके ईस्ट कोस्ट पे देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो ईजिली मिल जाएगा। अब आते तीसरा प्लेन, प्लेन किसको कहते हैं, अरे भाई जो प्लेन एरिया उसको प्लेन कहते हैं, बट डिफाइन जब हम इसको करेंगे तो बोलेंगे अ रिलेटिवली फ्लैट सरफेस एरिया, डायग्राम बनाऊं साथ में ना, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस एरिया, बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस एरिया वेयर द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज मिनिमम। क्योंकि अगर मैं माउंटेन की बात करूँ तो वहाँ पे तो ऐसा होगा, अब यहाँ पे लोवेस्ट और हाईएस्ट कितना हो गया, तो ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन है, और प्लेन ये भी नहीं है कि बिल्कुल प्लेन होगा, वो पॉलिश्ड एरिया होगा। अब ये भी कई तरह के होते हैं, कुछ ओरिजिन के विषय अगर बात करें, एक होते जो स्ट्रक्चर से बनते हैं, एक होते जो डिपोजिशन से बनते हैं, एक होते इरोजन से बनते हैं। स्ट्रक्चर प्लेन्स वो होते हैं जो पहले कभी प्लेन है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहाँ थी कॉन्टिनेंट शेल्फ, कि ये हमारा प्लेन है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ऐसे, और यहाँ ओशन है, स्ट्रक्चर में चेंज, ये प्लेट राइज होगी ऊपर, ये राइज होके यहाँ इसमें आ गई, ये राइज होके यहाँ आ गई, तो ये जब राइज होके यहाँ आ गई तो ये नया प्लेन इमर्ज होके सामने आया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्लेन, यानी कि जो स्ट्रक्चर के चेंज होने से बना, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको नजर साफ नजर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के राइज होने से जो बना, और यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यूएस, जो इसकी एग्जांपल है। इरोजनल प्लेन्स, जिनको हम पेनी प्लेन का नाम भी देते हैं, जैसे एरियाज होते हैं वो माउंटेन होते हैं, छोटे छोटे हिल्स होते हैं और छोटे छोटे अलग फीचर्स नजर आते हैं, जब पानी जो रिवर्स होता है उसको काट के छोटा छोटा करके कि डाउनग्रेड कर देती है और उसको एरिया को प्लेन कर देती है, एक्सटेंसिव एरिया बना देती है, उसको पेनी प्लेन या इरोजनल प्लेन कहते हैं, जहाँ पे रिवर्स में आइस भी हो सकते हैं, विंड्स भी है, तो जहाँ पे ये है जैसे नॉर्थ कैनेडा, नॉर्थ यूरोप है, वेस्टर्न साइबेरिया, बाहर ज़्यादा मिलेंगे एग्जांपल, इंडिया में ऐसी कम मिलेंगी। डिपोजिशन प्लेन्स, गंजेटिक प्लेन, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे गंगा के मैदान, जो गंगा के मैदान है ये कैसे बने, गंगा और यमुना नदी अपने साथ सिल्ट लेके आई, डिपॉजिट करती गई करती गई, तो जो मैदान हमारे करीब 5 किलोमीटर इनकी मोटाई है, तो डिपोजिशन जो बनते हैं उनको कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। अब वो लेक्स में भी हो सकती हैं, दूसरे एरिया नदी में, अगर लेक्स में तो उसको बोलेंगे लैकोस्ट्राइन प्लेन्स, जैसे हमारे भाबर के हैं और ये बेसिकली प्लेन्स वही प्लेन्स हैं, ये लिखा लैकोस्ट्राइन प्लेन्स, अगर लेक के उससे बने। और उसके अलावा कि वो लेके आती हैं कोस्टल वेव्स लेके आती हैं, ओशन स्पिट के किनारे पे डिपॉजिट कर देती हैं, जिनको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये तीनों फीचर जो मैंने आपको बताए, तो ये वो हैं जो हमें नज़र आते हैं, और
इनकी फॉर्मेशन, तो आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट से पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, इरोजन प्लेन कौन से होते हैं तो, या डिपोजिशन प्लेन कौन से हैं हमारे, और ऐसे माउंटेन्स उसके नाम पता नहीं, दैट्स ऑल, और कुछ करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।